हेलो बच्चों बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे डिस्कशन अपने लास्ट इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर का, जिसका नाम है रूरल डेवलपमेंट। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, इसमें मैं फटाफट क्रिस्प मैनर में रिवाइज करवाऊंगा कि रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और फिर सॉल्व करेंगे इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो कहानी है हमारी रूरल डेवलपमेंट की। रूरल का मतलब हो गया हमारे गांव वाले एरिया, और डेवलपमेंट मतलब कि वहां का हमें डेवलपमेंट करना है। तो कैसे हुई थी कहानी की शुरुआत, कि भाई रूरल डेवलपमेंट करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों का जिनका ध्यान रखना है वो क्या है। सबसे पहले हेल्थ और लिटरेसी, यानी कि हम कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो तब डेवलपमेंट होगा रूरल एरिया का जब हम हेल्थ का या लिटरेसी का ध्यान रखेंगे। दूसरा हो गया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, हमें वहाँ के लोगों के रोजगार का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा हो गया कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ लैंड रिफॉर्म्स जिससे उस एरिया के एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ावा मिले। चौथा हो गया कि हमें वहाँ की गरीबी को भी कम करने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, तभी रूरल एरिया का डेवलपमेंट पूरा हो सकता है। और आखिरी, इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधाएं जो भी हैं वो और बेहतर होनी चाहिए, चाहे ट्रांसपोर्ट को लेकर हो, चाहे क्रेडिट को लेकर हो, चाहे रोड्स को लेकर हो। वो सारी चीज़ें भी जब अच्छी होंगी तो ऑटोमेटिकली रूरल एरिया का डेवलपमेंट होगा। अब बात करते हैं हम उनमें से एक टॉपिक की, कि भाई रूरल एरियाज में या रूरल डेवलपमेंट में क्रेडिट की इंपॉर्टेंस क्या है, पैसे की क्या इंपॉर्टेंस है। तो पैसे की इंपॉर्टेंस इसलिए है रूरल एरिया में कि भाई किसानों को या फार्मर्स को मिडिल मैन काफ़ी एक्सप्लॉयट करते हैं, उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो वो चार्ज ना करें ज़्यादा। इसीलिए ऐसे रूरल एरियाज में हमें क्रेडिट की सुविधा सही रखने की ज़रूरत है। दूसरा, कई बार जेस्टेशन पीरियड बहुत बड़ा होता है, लंबा होता है, कि किसान ने फसल आज उगा ली लेकिन बेच पा रहा है वो 2 महीने बाद, तो पैसे मिलेंगे 2 महीने बाद, तो 2 महीने तक वो क्या करेगा, इसीलिए यहाँ पे क्रेडिट की सुविधा की आवश्यकता है। तीसरा, अच्छी क्रेडिट सुविधाएं देना रूरल एरियाज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बात करें भारत के कुछ अच्छे स्टेप्स की जो रूरल डेवलपमेंट में हुए, उनमें से एक सबसे बड़ा स्टेप ये कि एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई, जितने भी रूरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं या एग्रीकल्चर से संबंधित बैंक्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए 1982 में नबार्ड। उसके बाद बहुत सारे कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का भी प्रचलन शुरू हो गया, जिसमें मेनली अगर हम बात करें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, तो वो किस तरह से काम करते हैं, वो अपनी बचत को यानी अपनी सेविंग्स को 5, 7, 10 लोग मिलजुल कर इकट्ठा कर लेते हैं, पूल कर लेते हैं, और जिस भी आदमी को पैसों की आवश्यकता होती है वो उसी पूल में से ले लेता है, और बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पर उसको ये पैसे मिल जाते हैं। और भारत में लगभग 2003 तक ही 7 लाख से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो चुके थे, और इससे दूसरा फायदा ये हुआ कि वुमेन एम्पावरमेंट को भी काफ़ी हेल्प मिली। इसके बाद था जो हमने देखा कि भाई भारत के अंदर जो भी ये बैंकिंग सिस्टम्स आए, जिन्होंने क्रेडिट देना शुरू करा, उनका सक्सेस अगर हम बात करें कि आ था, तो उनकी सक्सेस ये थी कि इससे इनकम लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल, आउटपुट लेवल बढ़ा, फूड सिक्योरिटी बढ़ी। लेकिन अगर हम फेलियर की बात करें तो बहुत सारी फॉर्मेलिटी होने की वजह से अभी भी प्रोसेस स्मूथ नहीं था, और बैंकों को सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो हुआ डिफॉल्ट की वजह से, क्योंकि किसानों ने अपना पैसा वापस नहीं करा। फिर आया नया टॉपिक कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग मैंने बताया कि बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बड़ी से बड़ी कंपनी भी अपनी मार्केटिंग करती है, तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में बहुत सारे काम इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे स्टोरेज हो, चाहे प्रोसेसिंग हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे ग्रेडिंग हो, चाहे स्टोरेज हो। अब ये सारी सुविधाएं किसान तो अकेला अपने दम पर नहीं कर सकता, तो कई बार उसको बड़े ट्रेडर्स मैनिपुलेट करते हैं, कई बार वो अपना सामान सस्ते दाम पर बेचने के लिए फोर्स हो जाता था, कई बार वो अपने सामान को ढंग से स्टोर नहीं कर पाता था, तो इस वजह से सरकार को फिर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में आना पड़ा। तो सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, सरकार ने कुछ अच्छे पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट करे, जैसे MSP, किसानों को कम से कम प्राइस देना, जैसे बफर स्टॉक खरीदती है FCI तो किसानों को थोड़ी सिक्योरिटी रहती है। इसके अलावा फेयर प्राइस शॉप्स या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्रिएट करा सरकार ने, जिसमें सेम राशन सस्ते दामों पर गरीबों को प्रोवाइड करना शुरू करा। इसके अलावा मार्केट्स को रेगुलेट कर दिया ताकि मिडिल मैन या ब्रोकर्स का रोल काफ़ी कम हो जाए। इसके अलावा सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधाएं भी किसानों को देना शुरू करा, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की हो, चाहे वेयर हाउसिंग की हो, चाहे स्टोरेज की हो,
और साथ ही साथ कॉपरेटिव मार्केटिंग का भी प्रचलन चला, जिसमें फार्मर्स ने खुद ही अपना मिलजुल कर संगठन बनाया ताकि उनकी बार्गेनिंग पावर और स्ट्रांग हो जाए। और रीसेंट एडवांसमेंट्स की अगर हम बात करें तो फिर तो सरकार ने कुछ ऐसी मंडियां बना दी जिसमें सीधा किसान आकर अपना सामान ग्राहक को बेच सकता है, बीच के मिडिलमैन का चक्कर ही खत्म हो गया। और इसके अलावा बहुत सारी MNCs या बड़ी बड़ी कंपनियों को भी फार्मर्स के साथ टाई अप करने का मौका मिला, जिसमें बड़ी कंपनियां किसान से ही सीधा फिक्स्ड सामान खरीद लेती हैं और एक फिक्स्ड प्राइस पर। तो ये भी किसानों के लिए एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर हुआ। इसके बाद लास्ट टॉपिक एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें हम किसान को ये बोलते हैं कि भाई तुम अपना रिस्क क्यों रख रहे हो, खाली एक ही काम क्यों कर रहे हो, क्यों ना अपने काम को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर दो। डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हो, या तो अगर एक क्रॉप उगा रहे हो तो अलग अलग चार पांच तरह की क्रॉप्स उगाओ, और नहीं तो आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की जगह नॉन फार्म किसी एक्टिविटी में ही काम कर लो, यानी कि हॉर्टिकल्चर कर लो या लाइव स्टॉक में चले जाओ या फिशरीज कर लो। तो इसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। तो इसका फायदा क्या होता है, एक तो फार्मर का रिस्क कम हो जाता है, दूसरा उसकी इनकम बढ़ जाती है, तीसरा ऑफ सीजन में भी उसके पास कुछ ना कुछ काम रहता है, और चौथा उसके एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ावा मिलता है। और बात करें एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन कैसे हो सकता है, जो मैंने इंट्रो में बोला, दो तरह से हो सकता है। या तो हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करवा दें, उसको बोलें कि अलग अलग क्रॉप्स उगाए, या फिर हम उसकी एक्टिविटी ही चेंज करवा दें, उसको किसी नॉन फार्म एक्टिविटी में लगा दें। नॉन फार्म एक्टिविटीयां सिर्फ आपको रीड करनी है, ज़्यादा एग्जाम के लिए रेलिवेंट वो नहीं है, बट फिर भी पता होना चाहिए, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो, लाइफ स्टॉक से रिलेटेड, या फिशरीज हो मछलियों से रिलेटेड, या हॉर्टिकल्चर हो जिसमें आप अच्छे अच्छे फ्लावर्स या ग्रीन वेजिटेबल्स या मेडिसिन प्लांट्स ये सब की क्रॉपिंग करते हैं। तो कुल मिलाकर ये था पूरा हमारा रूरल डेवलपमेंट, जिसके सारे थे ये टॉपिक्स। तो सबसे पहले जी नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरियाज, मतलब ये बताना है कि इसमें नॉन इंस्टीट्यूशनल वाले सोर्स कौन से हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल का मतलब हो गया जिसमें बैंक नहीं है या जिसमें कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ऐसे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। सही, वेरी गुड। तो भाई चाहे रिलेटिव्स हों, चाहे ट्रेडर्स हों, चाहे मनी लेंडर्स हों, ये सारे ही नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं। बिल्कुल सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू, इवन टुडे डैश ऑफ द रूरल इंडिया लिव्स इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, मतलब रूरल इंडिया के कितने प्रतिशत या कितना मतलब रूरल इंडिया आज भी गरीबी में है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। आज भी एक तिहाई हिस्सा जो है, यानी कि 1/3 जो रूरल इंडिया का हिस्सा है, वो एक्सट्रीम पॉवर्टी से जूझ रहा है। बिल्कुल सही, वेरी गुड। इसके बाद नंबर थ्री, सिंपल क्वेश्चन, ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। ट्रेडिशनल सोर्सेज मतलब पुराने जमाने के, पहले किसान लोग बेचारे क्या करते थे, कहां से पैसे का जुगाड़ करते थे, किन से पैसा लेते थे, उसे बोलते हैं ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। तो ट्रेडर से लेते थे, मतलब वही ब्रोकर्स हो गए, या अपने मनी लेंडर से लेते थे, या अपने दोस्त रिलेटिव से लेते थे। बिल्कुल सही, यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो ये सब जो है ये ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं। और मॉडर्न सोर्सेज क्या हैं, आजकल कहां से लेते हैं, बैंकों से लेते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर दे रखा है, लेकिन बहुत ही कम चांस है कि आप बता पाओ, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया, बट लेट्स सी, नहीं तो लर्न कर लेंगे हम, याद रखेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट इन आंध्र प्रदेश, जो मैंने बताया था ना कि वो बहुत सारे थे, तो थोड़ा सा एक बार उसको रीड करना है कि आंध्र प्रदेश वाला जो मंडी है उसका क्या नाम है। वेरी गुड, उसका नाम है रायथू बाजार। चलो बहुत ही बढ़िया, याद है आपको। उसके बाद नंबर पांच, अंडर विच सिस्टम People below poverty line could get essential goods at low subsidized rate. ये हमने अभी भी रिवाइज भी करा था। वो कौन सा सिस्टम सरकार ने बनाया जिसमें गरीबों को सस्ते दामों पर गुड्स मिल जाते हैं? वो राशन की दुकान वाला एग्जाम्पल जो था, है ना, कि सस्ते दामों पर गरीब लोगों को, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग होते हैं, उन्हें सरकार क्या दे देती है, राशन का सामान दे देती है। तो क्या था उसका नाम, PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके बाद है जी नंबर छह, टू मिनिमाइज द फ्लक्चुएशन इन द प्राइजेस गवर्नमेंट अनाउंस्ड द फॉलोइंग, भाई बहुत ज्यादा प्राइजेस में फ्लक्चुएशन ना हो उसको कम करने के लिए
सरकार ने क्या अनाउंस करा था, ये भी एग्जैक्ट टर्म अभी हमने करी थी रिवाइज, ताकि किसानों को कम से कम एक फिक्स प्राइस तो मिल जाए। बिल्कुल सही, उसको उसकी टर्मिनोलॉजी है सही, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP। ठीक है, वेरी गुड। और सेवन्थ ऑटोमेटिकली हो ही गया, MSP की फुल पूछ रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब तो वही कि जो फार्मर्स को किसान मिनिमम सपोर्ट देती है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू द फार्मर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, द गवर्नमेंट हैज एश्योर्ड द फार्मर्स ऑफ सम मिनिमम इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ देयर क्रॉप बाय इंट्रोड्यूसिंग। अब गवर्नमेंट ने फार्मर्स को ये एश्योर करा कि भाई आपको कुछ ना कुछ मिनिमम इनकम तो हो जाएगी, तो उसके लिए सरकार ने इन चारों में से वो कौन सा कदम उठाया था कि कम से कम कुछ मिनिमम इनकम तो हो जाएगी, तो वो किस से होगा। हाँ, तो वो पॉलिसी जिससे मिनिमम इनकम का सपोर्ट मिल जाएगा वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, क्योंकि एटलीस्ट उससे किसानों को ये पता रहेगा कि अब मुझे अपनी फसल का मिनिमम इतना दाम तो मिल ही जाएगा। तो इससे फार्मर्स को थोड़ी सिक्योरिटी हो गई अपने मिनिमम इनकम की। बाकी सब जो बाकी जो पॉइंट्स है वो तो थे हमारे उसके एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग या विच इज रिलेटेड टू माइक्रो फाइनेंस। तो ये हमने टॉपिक वैसे पढ़ रखा है, माइक्रो फाइनेंस से इनमें से कौन रिलेटेड है, सेल्फ हेल्प ग्रुप और नबार्ड। अब नबार्ड क्यों रिलेटेड है, क्योंकि नबार्ड तो उन सब का रेगुलेटर है, वो भी तो माइक्रो फाइनेंस से ही रिलेटेड है ना एक तरह से, क्योंकि वो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सुपरवाइज करता है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप वो तो है ही माइक्रो फाइनेंस का पार्ट, क्योंकि वो तो करते ही छोटे छोटे लोगों की मदद है। तो बेसिकली डी, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप और नबार्ड दोनों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो काफी ज्यादा स्पेसिफिक है, वो अगर आपको पता है तो ठीक, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। जमशेद जी टाटा नेशनल वर्चुअल एकेडमी इज टू इम्पार्ट ऑपरेशनल ट्रेनिंग टू नियरली कितने लाख रूरल पीपल। ठीक है ना, तो ये आप चाहें तो स्किप कर देते हो, कर सकते हो, ज्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो तुक्का मार देते हैं। तो तुक्का मारेंगे तो क्या तुक्का सही लगेगा, नहीं सही तुक्का है बी, 10 लाख रूरल पीपल। ठीक है ना, चलो अब मुश्किल सवालात शुरू हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ना है और कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी करने हैं, तो ध्यान से पढ़ के आंसर करना। चलो, एसर्शन, द नीड फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिट अराइजेस टू फार्मर्स। कह रहे शॉर्ट टर्म क्रेडिट की जरूरत फार्मर्स को अराइज होती है। ठीक है, तो ये तो यहां तक तो बात ठीक है, क्योंकि अराइज होती है बिकॉज रीजन कह रहे बिकॉज शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स। कह रहे शॉर्ट टर्म क्रेडिट में नीड्स रिलेट टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंसेस, डिगिंग ऑफ वेल्स, बिसाइड्स मेकिंग पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हार्डली सेफ इनफ टू सेल्फ मैनेज देयर शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड। कह रहे क्योंकि उस पैसे से हमें फेंसेस बनानी पड़ती है, मतलब दीवार बनानी पड़ती है, कुएं बनाने पड़ते हैं, अपने बिजली के बिल पे करने पड़ते हैं, और स्मॉल फार्मर्स के पास पैसा नहीं होता अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को सेल्फ मैनेज करने का। तो जो ये स्टेटमेंट ही है वो गलत है, क्योंकि शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स जो होती हैं किसान की, वो ये बिजली के बिल भरना, तो मतलब ये जो लिखा है ना उसने कि कंस्ट्रक्शन करना है, फेंसेस का, कुआं बनाना है, इसके लिए वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट नहीं लेते बच्चों। शॉर्ट टर्म क्रेडिट थोड़ी ना लेगा, शॉर्ट टर्म क्रेडिट तो लेता है वो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, बिल्कुल रोजमर्रा के जरूरतों के काम करने के लिए। अब उसको ये कुआं बनाना है, दीवार बनानी है, ये तो सब लंबे समय के काम हो गए। इसके लिए तो वो भैया लंबा लोन लेगा या जो भी करेगा, वो तो लंबे समय का लोन हो गया है ना। तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गई कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट में वो अपने कुएं बना रहा है, दीवारें बना रहा है, नहीं, तो ये गलत हो गया। तो सही आंसर क्या बन गया, सही आंसर बन गया ऑप्शन सी।
है ना, तो assertion तो true है लेकिन उसका reason का statement ही गलत हो गया। चलो 12 में आपको होमवर्क में दे रहा हूं, उसके बाद 13 पूछता हूं। assertion, न्यू एवेन्यूज आर ओपन फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन फॉल्क इन रूरल एरियाज। कह रहा है कि भाई वुमेन्स मतलब महिलाओं के लिए रूरल एरियाज में नए दरवाजे खुले हैं एम्प्लॉयमेंट के। ठीक है, ट्रू, ये तो बात ठीक है। और रीजन कह रहा है क्योंकि शिफ्टिंग टू हॉर्टिकल्चर फार्मिंग हैज रिड्यूस द इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। कह रहा है क्योंकि जब फार्मर्स जो है, जो छोटे किसान है खासकर, जब वो शिफ्ट होते हैं हॉर्टिकल्चर की तरफ, तो उससे थोड़ा सा वल्नरेबिलिटी में रिडक्शन होता है। वल्नरेबिलिटी मतलब वही उतार चढ़ाव की, कभी अच्छा समय कभी बुरा समय, मतलब रिस्क कम हो जाता है, ये कहना चाहते हैं कि जब फार्मर्स मतलब हॉर्टिकल्चर फार्मिंग में थोड़ा शिफ्ट होते हैं तो उनका रिस्क कम हो जाता है, वो ये कहना चाह रहे हैं, है ना। तो एज ए स्टेटमेंट देखेंगे तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है ना, रिस्क कम हो जाता है। हाँ, वेरी गुड, सही आंसर। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बातें दोनों ठीक हैं लेकिन फैक्ट्स हैं, है ना, दोनों फैक्ट्स हैं, तो ए का कोई लिंक नहीं था रीजन के साथ। चलो 14th, असर्शन, इन इंडिया फार्मिंग कम्युनिटी यूजेस द मिक्स्ड क्रॉप लाइव स्टॉक फार्मिंग सिस्टम। ठीक है, तो कह रहा है भारत में फार्मिंग कम्युनिटी जो है वो मिक्स्ड क्रॉप लाइव स्टॉक फार्मिंग सिस्टम फॉलो करते हैं। तो हालांकि तो ये उस पार्ट का है जो मैंने कहा था कि ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, बट फिर भी ऐसा तो है, चलो ट्रू है। अब वो रीजन कह रहा है कैटल, गोट्स, फाउल आर द वाइडली हेल्ड स्पीशीज, तो ये लाइव स्टॉक वाले पार्ट में सब दिया है। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन प्रोवाइड्स इंक्रीज स्टेबिलिटी इन इनकम, फूड सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल एंड न्यूट्रिशन फॉर द फैमिली। तो बिल्कुल सही है। तो बेसिकली ये लाइव स्टॉक का अगर आप पढ़ोगे तो उसके पूरा फायदा है या बेनिफिट है कि हाँ ऐसा होता है। तो भारत में फार्मिंग कम्युनिटी जो मिक्स्ड क्रॉप लाइव स्टॉक फार्मिंग फॉलो करती है, क्यों करती है, क्योंकि अलग अलग चीज़ों से उनको फायदा मिलता है, उनकी स्टेबिलिटी ऑफ इनकम बढ़ती है, फूड सिक्योरिटी रहती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाता है उनकी परिवार को, तो यानी कि सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही। उसके बाद 15, चलो आपको होमवर्क में दे देता हूँ। 16, द डिफॉल्ट रेट अमंग द बोरोवर्स इज एज्यूमिंग अलार्मिंग प्रोपोर्शन। कह रहा है कि बोरोवर्स मतलब वही जो किसान बोरो करते हैं, लोन लेते हैं, उनका डिफॉल्ट रेट जो है वो बस अब बहुत ज्यादा हो गया, मतलब अलार्मिंग प्रोपोर्शन तक पहुंच चुका है। तो ये तो ट्रू है, और इसका रीजन दे रहा है कि भाई डिफॉल्ट क्यों हो रहा है, बिकॉज दिस सर्टेनली इज एन अलार्मिंग डेवलपमेंट एंड मे शेक द वेरी फाउंडेशन ऑफ द रूरल बैंकिंग सिस्टम। कह रहा है जी हाँ, ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है और ये रूरल बैंकिंग सिस्टम की बुनियाद को हिला सकता है। तो बताओ, तो ये तो स्टेटमेंट तो ये भी ट्रू है, लेकिन अब दोनों को जोड़ के पढ़ो कि बोरोवर्स जो है वो ज़्यादा डिफॉल्ट रेट कर रहे हैं, ये एक अलार्मिंग प्रोपोर्शन है, ये तो ये भी फैक्ट हो गया। और वो कह रहे हैं जी हाँ, दिस इज सर्टेनली, तो वो रीज़न नहीं लग रहा ना, वो बिकॉज लगा के पढ़ोगे बिकॉज तो वो लिंक नहीं बनेगा प्रॉपर। तो वो सिर्फ फैक्ट्स बता रहा है कि भाई अलार्मिंग प्रोपोर्शन है, और रीज़न में भी वही बात लिख रहा है कि अलार्मिंग प्रोपोर्शन है या बहुत खतरनाक सिचुएशन है। हाँ, तो इसलिए सही ऑप्शन ध्यान से चूज करना है, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 17, चलो आपको होमवर्क में दे देता हूं। 18, assertion, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज इमर्ज्ड एज मेजर माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम इन इंडिया। बिल्कुल सही है, तो हमने पढ़ा है कि हाँ ऐसा हुआ है, ट्रू। रीजन कह रहा है बिकॉज सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑल्सो हेल्प द इन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो बताओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप से एम्पावरमेंट भी हुई है वुमेन्स की। हाँ, तो दोनों को जोड़ के पढ़ो। कह रहे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो एक मेजर
माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम है भारत का। हाँ, क्योंकि अब रीजन थोड़ी ना क्यों है, क्योंकि इससे वुमेन एम्पावरमेंट हुई है, वो तो रीजन थोड़ी ना, वो तो दोनों फैक्ट्स बता रहा है कि हाँ, दोनों एडवांटेज बता रहा है एक तरह से, दोनों उसके बारे में स्टेटमेंट्स पास कर रहा है। कटे नंबर, जिसने ए भेजा उसका नंबर कटा। चलो उसके बाद 19 बताओ। चलो, विद ए व्यू टू अवॉइडिंग डिसस्ट्रेस सेल। डिसस्ट्रेस सेल कौन सी होती है कि भाई किसान के पास रखने की जगह नहीं तो वो बेच देता है सस्ते दामों पे। द गवर्नमेंट इज ऑफरिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। तो ये तो बात ठीक है, हमने पढ़ा था कि हाँ कि भाई डिसस्ट्रेस सेल ना करे किसान तो सरकार ने वेयर हाउसिंग सुविधाएं देना शुरू करा है। बिल्कुल सही। अब रीजन कह रहा है क्यों देना शुरू करा है, क्योंकि अब दूसरा कह रहा है रीजन में, स्टोरेज हेल्प द फार्मर टू सेल देयर प्रोड्यूस एट ए टाइम वेन द मार्केट प्राइस इज ल्यूक्रेटिव, मतलब अट्रैक्टिव। कह रहा है स्टोरेज जो है वो मदद कर देता है किसान की कि भाई तुम अपना प्रोड्यूस तब बेचो जब मार्केट प्राइस अच्छा अट्रैक्टिव हो। हाँ सही, वेरी गुड, है ना। तो बिल्कुल सही है। तो डिस्ट्रेस सेल को अवॉइड करने के लिए सरकार ने वेयर हाउसिंग सुविधाएं दी हैं फार्मर्स को, और कह रहा है रीजन बिकॉज स्टोरेज जो है, मतलब इस सहायता से या इस सुविधा से फार्मर्स जो है वो तब सामान बेच सकता है जब उसका मार्केट प्राइस ल्यूक्रेटिव हो। इसके बाद 20, ये भी बताओ एक बार। असर्शन, डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर हेल्प्स इन स्टेबलाइजेशन ऑफ फार्म इनकम बाय लोअरिंग द मार्केट रिस्क। कह रहे डाइवर्सिफिकेशन से थोड़ा सा फार्म इनकम में स्टेबलाइजेशन आता है, क्योंकि भाई आप अलग अलग क्रॉप्स बनाओगे, बाय लोअरिंग द मार्केट रिस्क, रिस्क जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, ये बात तो ट्रू है। अब वो इस बात का रीजन दे रहा है, बिकॉज अंडर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर द प्राइसेस ऑफ ऑल द क्रॉप्स में ड्रॉप एट द सेम टाइम एंड दस रेजेस द इनकम एज वेल एज स्टेबलाइजेज इट। कह रहा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर में क्रॉप्स के दाम, सबके सारी क्रॉप्स के दाम कम हो सकते हैं, जिससे इनकम जो है वो बढ़ जाएगी। वेरी गुड, सही सोचा। तो ये तो गलत ही बात है, प्राइस कह रहा है कम हो जाएंगे क्रॉप्स के सारों के, और कह रहा है इनकम बढ़ जाएगी, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ही फॉल्स है। बिल्कुल सही, सही भेजा आपने, तो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। चलो 21 आपका होमवर्क कर देता हूँ। 22 बताओ जी। 22 में लिखा है असर्शन, एवरी विलेज विल अल्टीमेटली बी नॉट अ नॉलेज सेंटर वेयर IT प्रोवाइड्स अ सस्टेनेबल ऑप्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड। तो ये वैसे IT वाले पोर्शन का है, तो ये हम स्किप कर सकते हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ इस क्वेश्चन को स्किप कर देता हूँ, है ना। तो ये हम छोड़ देते हैं, इसको आप स्किप कर देना। चलो 23 बताओ। असर्शन, लेसर द इरीगेशन लेसर इज द स्कोप फॉर क्रॉप फार्मिंग। कह रहे भाई इरिगेशन कम होगी जितनी, क्रॉप फार्मिंग भी कम होगी, तो ठीक है ये बात तो। और रीजन कह रहा है बिकॉज एज वी मूव फ्रॉम इरिगेटेड एरियाज टू सेमी एरिड या एरिड एरियाज द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ स्टॉक फार्मिंग टेंड्स टू डिक्रीज वाइल दैट ऑफ क्रॉप फार्मिंग टेंड्स टू इंक्रीज। तो इसका मतलब है कि भाई जब आप किसी अच्छी जगह से, मतलब इरिगेटेड एरिया से निकलकर अगर किसी बंजर इलाके में जाते हो, बंजर जमीन जहां कुछ उगता नहीं है, तो कह रहे ऐसे में लाइफ स्टॉक फार्मिंग की इम्पोर्टेंस तो कम हो जाएगी जबकि क्रॉप फार्मिंग की इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी। तो क्या लगता है आपको कि भाई अगर आपको किसी बंजर जमीन पर जाना पड़े या आप किसी बंजर एरिया में जाओगे तो वहां पे लाइफ स्टॉक की ज्यादा महत्वपूर्ण होगी या क्रॉप फार्मिंग ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। वेरी गुड, सही आंसर भेजा। तो ये तो उसने उल्टा लिखा है, बल्कि बंजर जगह जाएंगे तो उल्टा हम लाइफ स्टॉक ज्यादा करेंगे और क्रॉप फार्मिंग तो वहां बेकार ही होगी। तो इसका मतलब रीजन वाला स्टेटमेंट उसने गलत दे रखा था। बिल्कुल सही, वेरी गुड। उसके बाद 24 आपका होमवर्क कर देते हैं। 25 बताओ। 25 अगर सही बताया तो रीजन असर्शन मान लेंगे कि खत्म, नो टेंशन। द बल्क ऑफ एकरेज अंडर हॉर्टिकल्चर हैज एक्सपेंडेड द कॉस्ट ऑफ एकरेज अंडर पल्सेस। ठीक है, तो ये बच्चों क्योंकि
स्पेसिफिक हो गया हॉर्टिकल्चर का, तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर देता हूँ। रीजन बीइंग क्योंकि ये हमसे स्पेसिफिकली नहीं पूछेगा, ये अदर एक्टिविटीयां हो गई, तो इसके बारे में बस मैंने रीड करने को ही बोला था, तो इसके बारे में आप इसको छोड़ सकते हो, स्किप कर देना। चलो जी, तो ट्रू फॉल्स पे चलते हैं। ट्रू फॉल्स पे तो आप तुक्के लगाने में माहिर हो, मुझे आप बताओगे सबसे पहले। ए, रीजनल रूरल बैंक्स इज प्लेइंग अ मेजर रोल इन माइक्रो क्रेडिट। क्या लगता है, रीजनल रूरल बैंक का कोई रोल है माइक्रो क्रेडिट में या नहीं है? RRB, तो किन किन का रोल था माइक्रो क्रेडिट्स में? कमर्शियल बैंक थे, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स थे, कोऑपरेटिव्स थे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे, और रीजनल रूरल बैंक्स भी तो थे ना, थे बहुत सारे, थे कमर्शियल बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव, सेल्फ हेल्प ग्रुप, लिखा था ना पूरा सेंटेंस था। उसके बाद नंबर बी, ये पता होना चाहिए, गोल्डन रिवॉल्यूशन इज कंसर्न विद हॉर्टिकल्चर। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, तो क्या गोल्डन रिवॉल्यूशन बोलते हैं हॉर्टिकल्चर को? वेरी गुड। अच्छा बच्चों, सॉरी सॉरी, अरे मैंने ए वाले में ना ट्रू लिख दिया, मैं वो मेजर रोल पूछ रहा था, सॉरी बच्चों, सॉरी, मैं करेक्शन कर देता हूँ, सॉरी, मैंने ही जल्दीबाजी में गलत पढ़ लिया था, मेरी अभी नजर पड़ी, उसने ये बोला था इस प्लेइंग अ मेजर रोल, मैंने वो नहीं पढ़ा ध्यान से, मुझे लगा कि वो खाली पूछ रहा है पार्ट है, तो मैंने कह दिया ट्रू, लेकिन वो फॉल्स है क्योंकि मेजर रोल नहीं प्ले कर रहा, तो उसको आप करेक्ट कर लेना, मेरी नजर अब पड़ी, तो वो मेजर रोल पूछ रहा था, तो मैंने इसको अब करेक्ट कर दिया, तो फॉल्स कर लेना, सॉरी, मैंने ट्रू करवा दिया था। अच्छा, उसके बाद सी, किसान मेहता वॉज द फर्स्ट टू सजेस्ट दैट कॉटन कैन बी ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड। तो ये किसी को पता है? वेरी गुड, ट्रू, सही, ट्रू, स्पेसिफिक क्वेश्चन है। उसके बाद डी, ये आप छोड़ देना क्योंकि ये वाला पार्ट अब हमारा सिलेबस से हट गया है। ई, फार्मर्स नीड क्रेडिट फॉर कंजम्पशन पर्पज सच एज ऑन द मैरिज फॉर बर्थ और डेथ एटसेट्रा कॉल्ड प्रोडक्टिव क्रेडिट। भाई फार्मर्स को अपनी मतलब घर में बच्चे की शादी, बर्थ हो गया, इनके लिए जो पैसा चाहिए इसको हम प्रोडक्टिव क्रेडिट कहेंगे। वेरी गुड, गलत, ये तो फॉल्स है, और वो तो उसने लिखा भी है कंजम्पशन पर्पस के लिए ले रहा है वो क्रेडिट, तो ये तो प्रोडक्टिव क्रेडिट हो ही नहीं सकता, बिल्कुल सही है ना, गलत हो गया। इसके बाद जी फिल इन द ब्लैंक्स करवाएंगे आप, मुझे बताएंगे फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहला ए, तो ये तो सिंपल हो गया, डैश रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद हॉर्टिकल्चर, तो दोनों में से कौन सा है वैसे पता भी होना चाहिए, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड कौन सा है? गोल्डन, और वाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? मिल्क से, है ना, वैसे तो इसका सही आंसर तो हो गया गोल्डन। उसके बाद बी, तो बी वैसे हमारे मतलब सिलेबस में नहीं है, तो मैं बस पूछ के ऐसे छोड़ दूंगा। डैश इज अ प्रोडक्शन सिस्टम दैट सस्टेन्स द हेल्थ ऑफ सॉयल, इकोसिस्टम एंड पीपल। तो ये है बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला पॉइंट जो है वो बी स्पेसिफिकली नहीं है, तो इसको छोड़ दो। उसके बाद सी, द स्कीम ऑफ माइक्रो फाइनेंस इज एक्सटेंडेड थ्रू। माइक्रो फाइनेंस स्कीम्स जो है, माइक्रो फाइनेंस वो हमने कैसे बढ़ाई या वो किसके थ्रू एक्सटेंड हुई? कोऑपरेटिव बैंक या सेल्फ हेल्प ग्रुप? वेरी गुड, ये तो हमने पढ़ा ही था, सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्योंकि बिल्कुल छोटे से छोटे या गरीब से गरीब व्यक्ति की जरूरत अगर पैसे की है तो उसको हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से ही एक्सटेंड करा, क्योंकि वो काफी बड़ा उसमें रिफॉर्म भी लाए थे। उसके बाद डी, हाई क्रॉप प्रोडक्टिविटी लेड टू डैश रिवॉल्यूशन इन हॉर्टिकल्चरल। हॉर्टिकल्चरल, फिर से हॉर्टिकल्चर का ही पूछ रहा है। हाँ, गोल्डन रिवॉल्यूशन, ग्रीन तब होगा अगर वो एग्रीकल्चर का पूछता, ठीक है ना, ग्रीन तब होता अगर वो एग्रीकल्चर का पूछता। उसके बाद ई, MSP स्टैंड्स फॉर डैश सपोर्ट प्राइस, तो डैश में क्या आएगा? वेरी गुड, ये तो हो गया एक फिलअप, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर किसके लिए?
फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर, हाँ तो फॉर फार्मर्स, फार्मर्स के लिए है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो लाया सरकार वो किसके लिए लाया, फार्मर्स के लिए। चलो बहुत ही बढ़िया, तो डन डनाडन डन बच्चों जी, करते हैं समापन फिर इसका, और बाकी फिर आपसे मुलाकात करते हैं हम YouTube पर लाइव सेशंस में। लेकिन तब तक के लिए आप अपनी रेगुलर पढ़ाई, अपना रेगुलर रिवीजन अच्छे से करते रहना, और सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस का आप एक्सपोजर लेते चलोगे तो उतना आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलता चलेगा।